नारी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। नहीं, ये जो आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, हमारे साथ जो भी डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, आईएमए डॉक्टर्स हैं, हमारे एमटी भी एक घंटे के लिए आए हुए थे, हमारा जितना भी ये साथ में जेआर एसआर जो भी है, सारा समर्थन मिल रहा है, ना कि जेडीए खंडवा, लाइक सारा ऑल इंडिया से समर्थन मिल रहा है हमें। कोर्ट से आदेश आए हैं कि ना हड़ताल को मतलब बंद कर दिया जाए, पर हम ऊपर से आदेश आने का, अपना जो सेंट्रल जेडीए है उससे आदेश आने का वेट कर रहे हैं कि वो आए और फिर हम आगे देखते हैं क्या करते हैं। और ऐसा है कि हमें हमारा समर्थन तो मिलना है, हमें जो दुनिया का समर्थन चाहिए, जो हमें कोर्ट का समर्थन चाहिए वो हमें मिलना चाहिए, हमें हमारे जो राइट्स हैं वो मिलना चाहिए, हमें हमारी सिक्योरिटी मिलना चाहिए। कोर्ट ने बोल दिया हम उनका पालन करते हैं कि हाँ मतलब हम अपनी स्ट्राइक बंद करेंगे, हम उनका पालन करते हैं, पर वो हमारे जो मांगे हैं उनको पूरा करने का पालन करें। हमें मतलब उनका पालन, उनका ये है कि जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी सिक्योरिटी है, जो हमारे यहाँ के हॉस्पिटल में जो कमियाँ हैं उन्हें पूरा करें, हमें सिक्योर माहौल मिले जिसमें हम काम कर सकें, हमारे ड्यूटी आवर्स हैं वो कम किए जाएं, जो हमारे इंटर्न्स हैं वो काफ़ी ड्यूटी आवर्स पर रहते हैं वो कम किए जाएं, काम डिसाइड करके बांटे जाएं, ऐसा नहीं कि मतलब 26-36 आवर्स बेचारे हमारे। डॉक्टर श्वेता शर्मा, जेडीए न्यायालय की तरफ से जो भी फैसला हमारी स्ट्राइक को लेके आया है उसका सम्मान करते हुए जैसा भी होगा हम उसको आगे फॉलो करेंगे। हमारे सेंट्रल जेडीए से भी बात हुई है, जैसा वो कहते हैं हम उसको आगे कंटिन्यू करने के लिए करेंगे, या अगर हम जैसा साइलेंटली अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो हम वो करेंगे। वैसे भी हमने अपनी इमरजेंसी सेवाएं अभी बंद नहीं की थी, इमरजेंसी सेवाएं चालू थी, पेशेंट्स की हेल्थ का ऐसा नहीं था कि ख्याल नहीं रखा जा रहा था, पेशेंट्स की हेल्थ का पूरा ख्याल रखा गया है यहाँ पे उसके साथ। लेकिन हम जो चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी का क्या, हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि हम जो वहाँ इंसिडेंट हुआ उसमें हम जस्टिस चाहते हैं, क्योंकि अभी तक कल्पेट पकड़े नहीं गए ना, उनको उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया गया है अभी तक, जो उनका उनको बचाने की कोशिशें की जा रही है। हम चाहते हैं कि जो उनको बचा रहे हैं साथ ही जिन्होंने ये किया उन दोनों के खिलाफ प्रॉपर एक्शन हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, पूरी प्रेस में प्रॉपर वो रिलीज करने चाहिए पेपर, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आने चाहिए कि किसको किस लिए किया जा रहा है। और साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि जो हमारे बाकी जितने पूरे देश में जितने डॉक्टर्स हैं, मेल फीमेल बोथ बोथ रिक्वायर सेफ्टी, सबको सेफ्टी की जरूरत है, और प्रॉपर सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा गार्ड्स की नियुक्ति की जानी चाहिए, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, जैसे कि कैजुअलिटी में बहुत ज्यादा एकदम से मॉब घुस जाता है और ड्रंक पेशेंट्स होते हैं जितने जैसे भी आते हैं, हम फिर भी सेवाएं देते हैं लेकिन उनकी की द्वारा जो हम लोगों के साथ बदतमीजी की जाती है उन पर हम चाहते हैं कि एक्शन लिया जाना चाहिए। किसी भी फीमेल डॉक्टर के साथ जो भी हो रहा है हम चाहते हैं कि उस पर एक्शन लिया जाए, और इसीलिए हम चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को जल्द से जल्द लागू किया जाए। मैं डॉक्टर मरियम खान।